आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल बहुपद क्लास नाइन्थ चैप्टर टू है, ये पार्ट वन है। आप क्लास नाइन्थ में पढ़ें चाहे टेंथ में पढ़ें चाहे इलेवेंथ में पढ़ें, आपको बहुपद के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से बताया गया है बहुपद के बारे में, ठीक है। डिफिनीशन से लेके कैसे डिनोट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कोफिशियंट कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, सब इसके वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इंग्लिश में डिफिनेशन जान लेते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस, मतलब जो यहाँ रह करा उससे कम, ए एन माइनस वन एक्स के पावर उससे एक कम होते रहता है, तो यहाँ से एक्स के पावर एन माइनस वन, तो ऐसे करते करते जाएंगे लास्ट में जो आएगा ए वन एक्स प्लस ए जीरो इज सेट टू बी पॉलिनोमियल इफ एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल बदलता रहता है वेरिएबल, एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर, जो एन होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, जो इसके कोएफिशिएंट पावर होंगे, जो एक्स के पावर होंगे वो पॉजिटिव क्या होंगे, इंटीजर होंगे, एंड ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 ए एन लास्ट जो नंबर होगा आपका वो रियल नंबर से, वो कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर से ले सकते हैं आप। अब हिंदी में कैसे जानते हैं डिफिनेशन इसका, हिंदी में एक बार जान लेते हैं डिफिनेशन। कोई भी बीज गणितीय प्रसार ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस एन के रूप में हो तो उसे हम कहेंगे बहुपद, जहां एक्स चर होता है, एन धनात्मक होता है, एक्स क्या है पूर्णांक है, और यहां से आप ए जीरो ए वन ए टू ए एन क्या है वास्तविक संख्या है। तो हिंदी में आपने समझ लिया, कोई भी बीज गणितीय प्रसार ए एन एक्स के पावर एन इसमें इससे एक कम होता जाएगा, एन माइनस वन इसमें एक पावर कम होगा, ठीक है, कम होता जाएगा धीरे धीरे, यहाँ का एक कांस्टेंट अचर पद मिलेगा ए जीरो के रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, जहाँ एक्स क्या है चर है जो बदलता रहता है, एक्स जगह पे टी हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, एन क्या है धनात्मक पूर्ण संख्या, हमेशा ये धनात्मक संख्या होगा, ठीक है, ये नहीं कि परिमेय संख्या हो जाए, वन बाई टू हो जाए, रूट संख्या हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ए जीरो ए वन ए टू ए एन क्या है वास्तविक संख्या, ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, कहते किसे है पॉलिनोमियल, कोई भी अगर अलजेब्रिक प्रसार इस तरह का हो आपको तो उसे हम बोलोगे पॉलिनोमियल। अब आते हैं पॉलिनोमियल को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी डिनोट कैसे करते हैं, किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, आते हैं उस पर। द पॉलिनोमियल आर जनरली डिनोटेड बाय, मतलब बहुपद को प्रदर्शित करते हैं करते हैं किससे, px से भी करते हैं, किसी किसी बुक में आपको gx मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको fx मिलेगा, लेकिन हम px से लेके चलते हैं। तो यहां से px इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या बताया था, a n x के पावर n प्लस इसमें से n एक कम करिए n माइनस वन x के पावर n माइनस वन, ऐसे ही a n माइनस टू x के पावर n माइनस टू, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट हमारा आएगा ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी एक्स से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, यानी हिंदी में प्रदर्शित करते हैं पी एक्स से, ठीक है। अब कुछ इसके हम एग्जांपल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आते हैं एग्जांपल्स पे। पहला हमने पी एक्स लिया 2x प्लस फाइव, अब देखिए ये क्या है, x में पॉलिनोमियल है, मतलब इन पॉलिनोमियल x, मतलब x में बहुपद है, क्या ये x में ये बहुपद है। अब आप कंपेयर करोगे ना, तो इसमें ये देखो, ये जो लास्ट हमारा था an x के पावर n, ऐसे हम जा रहे थे,
लास्ट क्या था ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो आप देखो ये पॉलिनोमियल यहीं तक है, मतलब ए वन देखोगे तो आपको फाइव नजर आ रहा है, टू नजर आ रहा है, ए जीरो क्या नजर आ रहा है, फाइव आ रहा है, ए टू आ रहा है, ए जीरो क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल इतना ही तक है, मतलब एक डिग्री तक इसका एक्स के पावर है। तो किस में बहुपद है, एक्स में क्या है, बहुपद है। दूसरा क्या है, पी एक्स स्क्वायर को लेते हैं एक और हम, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इन पॉलिनोमियल वाई, वाई में बहुपद। देखो आप देख लो यहां पर क्या है, ये वाला था हमारा ए एक्स ए टू एक्स के पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये इस तरह का पॉलिनोमियल में देखो, ए जीरो का माइनस सेवन, ए वन जगह पे थ्री, ए टू जगह पे टू। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आपको बस देखना है जो पावर है ना, इसके जो चर वेरिएबल के पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। एक और हम लेते हैं यहां पर पॉलिनोमियल टी क्यू प्लस वन बाई टी वन बाई टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस थ्री बाई टू इज अ पॉलिनोमियल इन टी, टी में बहुपद। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कोफिशियंट जो है वो कुछ भी होने चाहिए, बस आपको देखना है टी के पावर पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे आप वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, ऐसे आप जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक और एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर फोर्थ, फोर्थ में देखिए पी एक्स इक्वल टू रूट थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस सॉरी माइनस रूट टी इज अ पॉलिनोमियल इन टी, मतलब टी में बहुपद। ये है, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं जो बहुपद नहीं है, देखिए कैसे एग्जाम्पल उसके देखिए, जो बहुपद नहीं है मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, टू एक्स के पावर टू प्लस थ्री रूट एक्स, ये पी एक्स, यहां पर आप ध्यान से देखो तो एक्स के पावर यहां पर क्या आ गया है, वन बटे टू आ गया है, रेशनल नंबर आ गया। तो ये बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो बहुपद नहीं है के एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, क्या ये बहुपद है, आप इसको ऊपर लेके जाओ तो माइनस वन हो जाएगा। देखिए है, नहीं है बहुपद, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आप एक और एग्जाम्पल थ्री ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं हम, टू ले लें एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस फाइव एक्स, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव नंबर नहीं आया है, मतलब धनात्मक संख्या नहीं है, तो क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा डिफिनेशन पॉलिनोमियल के, एग्जांपल पढ़ लिए, अब आते हैं हम कोफिशियंट, कोफिशियंट यानी गुणांक जिसे आप बोलते हो हिंदी में, मैं एग्जाम्पल से इसको कराता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोफिशियंट आप एक्स बताओ, एक्स क्यू क्या होगा गुणांक, मतलब एक्स क्यू का गुणांक। तो आपको देखना क्या है, एक्स क्यू के बगल में कौन सी संख्या है, यहां से देखो तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अगर यही बात करें हम कोफिशियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी इसका जो गुणांक आएगा वो 2 आएगा। अब ऐसे ही आप देख लो, एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स देखो क्या है, एक्स के बगल में कौन सी संख्या है, -5, मैंने एक्स का गुणांक क्या आएगा इस पॉलिनोमियल बहुपद में, -5 आएगा। और अचर पद क्या है, अचर पद 4 मानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या इसमें 4 है, ये मैंने लिखा यहां से, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इसके बारे में, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल के। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का घात, का घात कैसे निकालते हो। हमारे पास पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या था, जनरल पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का जो डिफिनेशन मैंने बताया था, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ऐसे हमने लास्ट आया था ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इसमें इसका डिग्री क्या है, एन है, यानी घात क्या है, घात क्या है जी, एन है। तो किसी भी पॉलिनोमियल किसी बहुपद में अक्षर मतलब वेरिएबल के पावर सबसे बड़ा जो संख्या रहता है वही उसका क्या है, घात होता है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो आप इसे भी समझ सकते हो, या डेफिनेशन की इसमें कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जब सबसे ज्यादा जो वेरिएबल, लिख लेते हैं एक लाइन डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। समझ में आया, इसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल को किसके पावर है, एक्स के पावर एन है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो एक्स वेरिएबल के पावर से सबसे बड़ी संख्या होती है वो इसकी घात होती है, वो इसकी डिग्री होती है। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो डिफिनेशन, तो किसी बहुपद का घात चर के सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, किसी बहुपद का घात चर के घात की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, होती है। मतलब किसी बहुपद का जो चर के पावर सबसे बड़ा जो घात होगा वही क्या होगा, सबसे पावर जो घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात कहलाता है। अब मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं घात किसका क्या होगा। पीएक्स मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2 पीएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 7 पीएक्स 2 एक्स प्लस 2। अब बताइए इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा एक्स के पावर कौन सी संख्या है। आप देखो 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर पद का कैसे घात निकालते हैं। तो देखो आप इसमें एक्स के पावर सबसे ज्यादा है, यानी इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का घात या आप बोल सकते हो डिग्री क्या है, 3 है। अब आओ इस पॉलिनोमियल में, इसमें देखो एक्स के पावर सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक्स के पावर यानी एक्स के घात में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 2 है। तो इसकी घात क्या हो गई, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, बताओ 2 हो गई। अब आते हैं इस पॉलिनोमियल में, इसमें देखो एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी इसकी घात या डिग्री जो होगी वो क्या है, 1 है, क्या है, 1 है।
तो मतलब कोई भी बहुपद या पॉलिनोमियल दिया हो तो उसका घात जो सबसे बड़ा एक्स के पावर संख्या होता है वही उसका क्या होता है, घात होता है। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कैसे घात या डिग्री कैसे हम निकालते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अचर बहुपद। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है वो अचर बहुपद है तो उसका घात क्या होगा, मतलब उसका डिग्री क्या होगी। ठीक है, उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका घात क्या हो, जीरो हो, उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद का घात हमेशा डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अब आपसे पूछा जाए पी एक्स आएगा √3, या पी एक्स क्या आएगा -3, या पी एक्स क्या आएगा कुछ भी ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। इन सभी बहुपद का, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सारे क्या है, ऑल कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें एक्स चर वेरिएबल है कहीं दिख रहा है नहीं। तो सबका जो घात और डिग्री कहीं पूछा जाता है तो आप इसका डायरेक्टली क्या लिखोगे, जीरो। क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, इसका घात और बहुपद जीरो लिखेंगे, कांस्टेंट इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल घात कैसे निकालते हैं, मतलब अचर बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। अचर बहुपद का घात हमेशा जीरो होता है। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला आता है टाइप ऑफ बहुपद, सॉरी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला आता है इसमें रैखिक बहुपद, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, कहते किसे कहते हैं, अ पॉलिनोमियल आप डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। किसे कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका घात एक हो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल्स के देखते हैं रैखिक बहुपद का, या लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पे आते हैं, फर्स्ट इसमें है 2x ले लीजिए, इससे घात क्या है, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री वन है, घात क्या है, वन है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। दूसरा पी एक्स लिखिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा, 2x पी एक्स को लिख लीजिए, 3x+5। थर्ड नंबर पी एक्स इजकल टू पी टी इजकल टू लिख लेते हैं 4t+3।
ये देखो सारे रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि घात क्या सबका वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात दो हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल करते हैं, क्वाड्रेटिक बहुपद या द्विघात बहुपद का एग्जांपल, जिसकी डिग्री, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। एग्जांपल फर्स्ट पी एक्स स्क्वायर टू ले लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर ले लो। देखो इसका घात या डिग्री क्या है, घात या डिग्री क्या है, टू है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा पी एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ले लें। थर्ड ले लेते हैं पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई, सॉरी वाई क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस टू। अब देखो ध्यान से, इस सारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, टू है। देखो सॉरी यहां पर टू होना चाहिए ना, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, ये ले लेते हैं। तो सबकी डिग्री क्या है, टू है, यानी सबका घात क्या है, दो है। तो क्या है ये द्विघात बहुपद है, यानी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड इसमें लास्ट आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका घात तीन हो उसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, फर्स्ट पी एक्स स्क्वायर टू ले लो आप, टू एक्स क्यू। सेकेंड पी एक्स स्क्वायर टू ले लो आप, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। थर्ड ले लो पी वाई स्क्वायर टू वाई क्यू सिक्स वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस टू। फोर्थ ले लो पी टी स्क्वायर टू टी क्यू प्लस सिक्स टी। इस सबका जो घात क्या है ना, ध्यान से देखो, तीन है। क्या है, तीन है, मतलब त्रिघाती बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चार घाती बहुपद,
a polynomial of degree 4 is called quadratic polynomial. वह बहुपद जिसका घात 4 हो उससे हम चारघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसके फर्स्ट क्या है, वी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 ले लो। सेकंड क्या है, वी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4। अब आते हैं पी एक्स इक्वल टू, आप ले लो एक्स के पावर 4 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7। फोर्थ नंबर ले लो पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर टी ले लेते हैं, टी के पावर 4 प्लस रूट 2। सारे देखो डिग्री यानी घात क्या है, 4 है, क्या है 4 है, यानी सब क्या है बाई क्वालिटी पॉलिनोमियल यानी चार घाती पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। आप आज ने पढ़ा डिफिनीशन, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन पढ़ा, कैसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कैसे डिग्री निकालते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मतलब अचर बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, रैखिक पॉलिनोमियल यानी लीनियर बहुपद, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद, सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछते हैं। ये 9th क्लास की कोई भी वीडियो को देख सकता है जिसको पॉलिनोमियल बारे में, बहुपद के बारे में जानना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है बहुपद के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।